हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड, आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यहां पे बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में। जी हां फ्रेंड, अभी तक की अपडेट क्या है रिजल्ट को लेकर के उसके बारे में बात कर लेंगे और रिजल्ट कब तक आएगा ये भी आपसे बात कर लेंगे। तो ग्रुप डी रिजल्ट के लिए करना होगा और इंतजार। जी हां फ्रेंड, अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ेगा वो आगे इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो एक न्यूज और भी आ रही है कि RRB करेगा फी रिफंड। जी हां फ्रेंड, फी लेने के लिए क्या करना होगा इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो जो आपने फॉर्म भरते वक्त फीस जमा की थी फॉर्म एग्जाम देने के लिए, उसके कुछ पैसे आपको वापस मिल जाएंगे प्रोसेसिंग फीस काट करके। तो आपके बैंक में ये पैसे जो है वापस मिल जाएंगे। तो देख लेंगे ये फीस कब तक रिफंड हो पाएगा। तो करोड़ों छात्र इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो आगे इस वीडियो में जान लेंगे पूरी न्यूज़ क्या है। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, नए विजिट किए हैं और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इसी तरह का अपडेट देता रहता हूँ। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखकर जरूर देना। फ्रेंड, तो ये करंट का ही क्वेश्चन है। तो किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC वुमेन वर्ल्ड T20 का कप्तान बनाया गया है? जी हाँ फ्रेंड, ये हाल का ही क्वेश्चन है और ये हाल में ही बनाया गया ICC वुमेन वर्ल्ड T20 का कप्तान किसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन है स्मृति मंधाना, फिर दूसरा ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर और तीसरा मिताली राज और चौथा वेदा कृष्णमूर्ति। तो इनमें से एक ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो जो भी आंसर सही बताएगा उसका नाम मैं इस वीडियो में अगले नेक्स्ट आने वाले वीडियो में जरूर लूंगा। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे। अपडेट बिल्कुल अभी की जनसत्ता वेबसाइट की तरफ से लाइव अपडेट ये मिलता रहता है ग्रुप डी के लिए। तो डॉक्यूमेंट अगर आपको जमा करना, अगर आप दूसरी जगह नौकरी करते हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट जो है वो ग्रुप डी में आपको दिखाना होगा, तभी आप यहाँ पर जॉब कर पाएंगे। फ्रेंड, तो ये अभी की अपडेट आप देख सकते होंगे 15 फरवरी 2057 AM की है। तो अभी अपडेट में क्या क्या और नई न्यूज आई हुई तो देख लेते हैं। तो इन उम्मीदवारों को लेना होगा NOC, यानी कि अगर जो उम्मीदवार कहीं दूसरी जगह अभी प्रेजेंट में नौकरी कर रहे हैं तो उनको NOC यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है वो दिखाना होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और ये मांगे जाने पर आपको देना होगा। फ्रेंड, और दूसरी न्यूज जो है वो RRB ग्रुप डी रिजल्ट से ही संबंधित है कि संशोधित आंसर की भी वापस जारी जो है वो हो सकता है, यानी कि रिजल्ट से ठीक पहले आंसर की जो या रिजल्ट के साथ आंसर की आपका जारी हो सकता है, यानी कि जो रिवाइज्ड आंसर की होगा जो फिर से आंसर की जारी किया जाना है वो आपको रिजल्ट के साथ जारी हो सकता है या रिजल्ट से एक दो दिन पहले जारी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैसे होगी फीस रिफंड। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, RRB ग्रुप डी रिजल्ट जारी होने के बाद, यानी कि रिजल्ट जब जारी होगा तब RRB फीस रिफंड की प्रक्रिया को शुरू करेगा। जी हाँ फ्रेंड, फीस रिफंड कब होगा? जब तक कि रिजल्ट आपका जारी नहीं हो जाता है, और जैसे ही रिजल्ट जारी होगा तब आपका फीस प्रक्रिया रिफंड का जो प्रोसेस होगा वो शुरू हो जाएगा। तो परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों की फीस वापस लेने के लिए अपने बैंक की डिटेल भरनी होगी। जी हाँ फ्रेंड, आपको अपना अगर पैसा वापस लेना है जो आपने फॉर्म भरते वक्त भरा था, तो उसके लिए आपको अपना बैंक डिटेल देना होगा और बैंक डिटेल भरने के लिए RRB लिंक जारी करेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो कोई परेशानी यहाँ नहीं है। तो आपको अपना RRB यानी कि IFSC कोड तैयार रखना है अपने बैंक का, और अपना बैंक का अकाउंट नंबर और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, इतनी तीन चार चीज़ आपको तैयार रखना है। तो आपका फीस जो है वो तुरंत ही रिफंड हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड, और बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आने में देरी क्यों हो रही है। तो मैं आपको वजह बता दूंगी फ्रेंड, ALP का आंसर की आने वाला। तो यहाँ पे लिखा गया कि आज जारी हो सकता है RRB ALP का आंसर की। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने RRB ALP का आंसर की जारी करने वाला है। जिन कैंडिडेट ने इसके लिए आवेदन किया था वो आंसर की जारी होने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो मैं फ्रेंड आपको एक न्यूज़ बता दूं कि ALP का जो CV2 का आंसर की वो रिलीज्ड होना है आज 15 तारीख को 1 बजे दिन में। तो मैं आपको बता दूं कि आंसर की 11 जनवरी को ही रिलीज्ड होना था, लेकिन ये डिले हो गया, जो कि फिर 11 फरवरी को रिलीज होना था, फिर ये 12 फरवरी किया गया, फिर ये 14 फरवरी को कर दिया गया, लेकिन कल भी ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रिलीज नहीं हो पाया था। तो इसीलिए ये 15 फरवरी यानी कि आज के डेट में रिलीज होना है 1 बजे दिन में। तो फ्रेंड, इसी वजह से जो है रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट आने में देरी हो रही है, क्योंकि RRB बोर्ड जो है वो ALP को भी संभाल रहा है और ग्रुप डी के रिजल्ट को भी संभाल रहा है। इसीलिए वो एक साथ दोनों को जारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि ALP का आंसर की जो वो 14 फरवरी को जारी नहीं हो पाया था, इस वजह से RRB जो है वो बहुत परेशान है। तो देखने वाली बात यह होगी कि ALP CV2 का आंसर की जो आज डेट रखा गया है 15 तारीख को दिन में 1 बजे, क्या वो जारी हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो जब तक ये जारी नहीं हो जाता है तो आपका जो ग्रुप डी का रिजल्ट है वो डिले होता चला जाएगा। तो मैं आपको एक न्यूज दिखा देता हूं जहां पे 20 तारीख भी लिखा गया है ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर के।
तो आप देख सकते होंगे फ्रेंड ये न्यूज़ जो वो टाइम्स नाउ की तरफ से दी गई है। और यहाँ आप देख सकते होंगे आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2018 ग्रुप डी रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड बाय फरवरी 20 ऑन सभी वेबसाइट, यानी कि सभी पटना सिकंदराबाद जितने भी है। तो यहाँ पे लिखा है कि रिलीज जो होगा वो 20 फरवरी तक किया जाएगा। तो कोई भी आप भरोसा नहीं कर सकते कि कौन सही बोल रहा है नहीं सही बोल रहा है। किसी में लिखा गया कि 17 फरवरी, किसी में लिखा जा रहा है 20 फरवरी। तो ये टाइम्स नाउ की न्यूज़ और ये ऑथेंटिकेट न्यूज़ होती है लगभग। और यहाँ पर 20 फरवरी का डेट आ रहा है। 20 फरवरी इसलिए भी फ्रेंड क्योंकि अभी ALP CV2 का जो आंसर की है CV2 आंसर की वो अभी तक रिलीज नहीं हो पाया है, जिस वजह से ग्रुप डी के रिजल्ट आने में देरी हो रही है। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट को और भी डिले किया जा रहा है। क्योंकि अगर 15 फरवरी को उसका आंसर की जारी होता है तो उसके लिए आपको 4 से 5 दिन के लिए समय और लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर ऑब्जेक्शन दर्ज होगा। तो 15 से 19 तारीख या 20 तारीख तक समय लिया जाएगा, फिर ही आपका ग्रुप डी आंसर की जो रिजल्ट होगा वो जारी किया जाएगा। जैसे कि ग्रुप डी रिजल्ट में जो सॉरी फ्रेंड ग्रुप डी की जो आंसर की आया था 11 जनवरी को, तो उसमें भी 4 से 5 दिन के लिए ऑब्जेक्शन के लिए समय मिला था। तो ठीक उसी तरह ALP CV2 आंसर की में भी 4 से 5 दिन का समय लिया जाएगा ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए। तो जब तक ALP का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक जो है ग्रुप डी का रिजल्ट आने का संभावना कम ही यहाँ पे नज़र आ रहा है फ्रेंड। तो इसीलिए टाइम्स नाउ की न्यूज़ की तरफ से भी ऐसा ही लिखा गया कि 20 फरवरी तक आपको ग्रुप डी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है फ्रेंड। तो अगर आपका क्या कहना है रेलवे को लेकर आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो लोग देख रहे हैं कि कब तक रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बता दिया हूँ कि रिजल्ट को लेकर के अभी कोई भी फाइनल डेट जो है वो नहीं आई है RRB की तरफ से। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का अपडेट आपको देता रहता हूँ फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।